नमस्ते साथियों, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी से कुछ कहने की कोशिश की और सामने वाले को लगा कि उसे बात समझ में आ गई, लेकिन दरअसल गलती हो गई, या फिर आपने किसी से कोई बात सुनी और आप गलतफहमी का शिकार हो गए? तो अक्सर ऐसी गलतफहमियां होते रहती हैं, तो इनसे निपटने का इलाज क्या है? तो आज मैं आपके सामने दो ऐसी आसान चीजें रखने वाला हूं जिनका इस्तेमाल करते हुए वार्तालाप के दौरान होने वाली गलतफहमियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कौन सी हैं ये दो चीजें। सबसे पहली चीज तब जब आप कोई संदेश किसी और को देने वाले हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी बात सामने वाले के सामने रखने वाले हैं, तो उस वक्त आपने क्या करना है? चलिए उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त से कहते हैं जो आपके साथ आपके कार्यस्थल पर काम करता है कि देखो दोस्त, कल किसी वजह से मैं काम पर नहीं आ पाऊंगा, तो मेरी गैर हाजिरी में मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी जिम्मेदारी उठाएं। ठीक सुबह 11 बजे आपने हमारे जो क्लाइंट साहब हैं उनको कॉल लगाइए और उनसे पूछिए कि उनको किन किन चीजों की जरूरत है, और उसी प्रकार ठीक शाम को 5 बजे एक रिपोर्ट बनाकर उन्हें ईमेल कर दीजिएगा। लेकिन हाँ, ईमेल करते वक्त मुझे सीसी में जरूर रखना ताकि मुझे भी पता चले कि रिपोर्ट जा चुका है। अब आप अपने दोस्त से पूछते हैं बात समझ में आ गई, तो आपका दोस्त कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात है ही नहीं। तो अब आपको लगता है कि आपने तो बात ठीक से समझाई और सामने वाले को भी समझ में आ चुका है, लेकिन दरअसल यहीं पर गलतफहमियां शुरू हो सकती हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वाकई में क्या सामने वाले को आपकी बात समझ में आई है। तो फिर आपने क्या करना है? यहां पर आप इस्तेमाल करेंगे एक बहुत ही सटीक तकनीक का, जिसको हम कहते हैं वैलिडेशन या फिर कंफर्मेशन, जिसका आसान शब्दों में मतलब होता है सुनिश्चित करना। इसका क्या मतलब है? अब आप सामने वाले से पूछिए बात समझ में आ गई, तो सामने वाला कहेगा हाँ, तो अब आप ठहरिए और उसे कहिए बहुत बढ़िया, अब जो समझे हो मुझे बताओ, जो भी आप समझे हो मेरी बातों से जरा मुझे अपने शब्दों में बताओ। अब सामने वाला आपको बताएगा कि सुबह 11 बजे मैंने क्लाइंट को कॉल लगाना है और उनसे पूछना है कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, और शाम को तकरीबन 5 बजे रिपोर्ट बनाकर उनको ईमेल कर देनी है ना। एक बात छूट गई आपसे, आपने मुझे सीसी में भी रखना है। अरे हाँ, सीसी में भी रख लूंगा आपको, है ना। तो क्या हुआ यहाँ पर? जैसे ही आपने सामने वाले से कहा कि आप मेरी बात दोहराइए, उससे गलती हुई और आपने उस गलती को पकड़ा और उसके मुताबिक वहां पर आपने उस बात को दोहराया भी, ताकि ये गलती असल में न हो। इसे कहते हैं सुनिश्चित करना। तो जब कभी आप कोई भी बात सामने वाले से कहें तो सुनिश्चित कर लें कि उसे वो बात उसी प्रकार समझ में आ चुकी है जैसा आप चाहते हैं। इससे गलतफहमियां नहीं होंगी और आपकी बात जो है उस तक सही तरीके से पहुंचेगी। अब ये तो रही बात जब आप कुछ बताते हैं, लेकिन कई बार हमारी ये भी भूमिका होती है कि हम सामने वाले की बात सुनते हैं। तो आइए यहां जानते हैं कि ऐसे मामलों में क्या करें। तो उदाहरण के तौर पर हम चलते हैं एक होटल। अब अक्सर जब हम होटल जाते हैं और वहां पर खाना खाने के लिए वेटर को ऑर्डर देते हैं तो क्या होता है? तो आपके सामने वेटर खड़े हैं और आप वेटर की तरफ देखकर बोलते हैं एक काम कीजिए, सबसे पहले तो मुझे एक टमाटो सूप दीजिए, उसके बाद एक वेज ग्रिल सैंडविच दीजिएगा, और उसके बाद एक लाइम जूस दे देना। क्या होता है इसके बाद? क्या वेटर दौड़ते दौड़ते किचन की ओर भागने लगता है? बिल्कुल नहीं। एक जिम्मेदार वेटर वहीं पर खड़े रहेगा और आपकी तरफ देखकर पूछेगा, सर आपने कहा है कि सबसे पहले आपको एक टमाटो सूप चाहिए, उसके बाद आपने कहा वेज ग्रिल सैंडविच, और उसके बाद आपने कहा लाइम जूस, ठीक समझाओ सर मैं? आप कहते हैं हाँ हाँ सब कुछ सही है। तो ये क्या किया वेटर ने? वेटर ने आपकी बात को ध्यान से सुना और उसे दोहराया अपने शब्दों में। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग, जिसका आसान शब्दों में मतलब है किसी की बात ध्यान से सुनना और उसे अपने शब्दों में दोहराना। अब जरा इसे अपने कार्यस्थल से जोड़कर देखते हैं। जहां पर भी आप काम करते हैं, मान लीजिए वहां पर आप अपने बॉस से बातचीत कर रहे हैं और आपके बॉस जो है आपको कहते हैं कि अगले हफ्ते हमारे दफ्तर में कुछ जरूरी लोग आने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप पूरी टीम को बता दें कि ये लोग आने वाले हैं और उन्हें एक प्रेजेंटेशन तैयार करना है हमारी कंपनी की जानकारी देते हुए, और तीसरी चीज सबको उस दिन ऑफिस यूनिफॉर्म में ही कार्यस्थल पर आना है।
ये तीनों चीजें आप उनको बता दें। तो आप सबसे पहले तो उनकी बात आपने सुन ली, अब आप क्या करेंगे, पैराफ्रेजिंग। आप कहेंगे सर आप चाहते हैं कि मैं टीम को बताऊं अगले हफ्ते कुछ जरूरी लोग आने वाले हैं, तो उन सब लोगों ने एक प्रेजेंटेशन बनाना है जिसके तहत वो अपने कंपनी की जानकारी उन लोगों तक पहुंचा सके, और सभी ने यूनिफॉर्म पहन कर आना है। ठीक है सर, और कुछ बात रह गई? नहीं, इतनी बात। तो आपने क्या किया, आपने तो पहले ध्यान से उनकी बात सुनी और फिर उसी बात को अपने शब्दों में आपने दोहराया। इसे कहते हैं पैराफ्रेजिंग, तोते की तरह रटना आप कह सकते हैं इसे। लेकिन इससे फायदा यह होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि जो आपने सुना और समझा वो बिल्कुल सही था, सटीक था, और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो जब कभी आप किसी के साथ भी वार्तालाप करें, फिर चाहे वो कार्यस्थल पर हो या फिर आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में हो, तो इन दोनों तकनीकों का आप भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी दो तकनीकें? पहली तकनीक, जब आप किसी को संदेश देते हैं तब आप इस्तेमाल करेंगे वैलिडेशन का, या फिर जिसे हम कहते हैं कंफर्मेशन, आसान शब्दों में सुनिश्चित करना, ताकि आपको पता चले कि जो आपने कहा और जो सामने वाले ने समझा उसमें कोई फर्क नहीं है। और दूसरी तकनीक, जब आप कोई संदेश सुनते हैं, किसी ने कुछ कहा और उसे आपको ध्यान से सुनकर दोहराना पड़ता है, इसे हम कहते हैं पैराफ्रेजिंग। इन दोनों तकनीकों के सहारे आप सटीक तरीके से अपनी बात पहुंचा पाएंगे और दूसरों की बात समझ पाएंगे। तो जब कभी आप आगे चलकर वार्तालाप करें तो इन दोनों तकनीकों का भरपूर इस्तेमाल कीजिएगा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि अगर आप इन तकनीकों का सही इस्तेमाल करते रहे तो आप बेहतर वार्तालाप कर पाएंगे। तो फिर देर किस बात की, अगली बार और हर बार इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा।